एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, एक्स इज इक्वल टू 4/5 और इनटू ब्रैकेट में है एक्स प्लस 10। तो मेथड सेम है जो अपन पिछले 5-6 क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, लेफ्ट साइड में आपको सिंगल वेरिएबल दे दिया है, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं दिया हुआ है, और वेरिएबल राइट साइड में भी है लेकिन वो ब्रैकेट में। तो पहले आप ब्रैकेट ओपन कर लो, फिर वेरिएबल को लेफ्ट साइड लेकर आ जाओ, कांस्टेंट को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू 4/5 इंटू एक्स। ठीक है, 4/5 ब्रैकेट के बाहर है तो इसका मतलब है 4/5 का मल्टीप्लीकेशन एक्स से भी होगा और 4/5 का मल्टीप्लीकेशन 10 से भी होगा। तो 4/5 इंटू एक्स हो गया, ये प्लस का साइन प्लस रहेगा क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। 4/5 फिर से लिखेंगे, 4/5 इंटू 10। ठीक, अब ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू 4/5 एक्स या 4x/5, इसको ऐसा लिख सकते हो आप। अब ये जो 4/5 टर्म जो आपको दिख रहा है, ये सिंगल टर्म है। ठीक है, इसको आप एक ही बार में लेफ्ट साइड शिफ्ट कर सकते हो। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखो, ये 5 1 5 हो गए, 5 2 10 हो गया। ठीक है, 4 2 8, 4 × 2 8। अब ये जो x वाला टर्म है, इसको आपको लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है। तो यहां पर आप ध्यान दो, यहां पर दो टर्म है हमारे पास। ठीक है, 4/5x ये पहला टर्म है और 8 दूसरा टर्म है। तो इसके पहले एक्सरसाइजेस में जैसा हम करते आ रहे थे कि पहले जैसे इस तरह का अगर कोई इक्वेशन है तो उसमें पहले आप डिवाइड वाले को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लो या फिर 4 को शिफ्ट करो, तो इसमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये पूरा सिंगल टर्म है। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन इन दोनों का हो रहा है लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इसके साथ प्लस हो रहा है। ठीक है, तो प्लस हो रहा है, दोनों के बीच में प्लस का साइन है। तो जब ये 4/5x लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा तो -4/5x आएगा यहाँ। ठीक है, तो ये होगा देखो x -4/5x, क्योंकि यहाँ 4/5 प्लस में है, इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब यहां पर सॉल्व करते हैं। देखो, 4/5x ये एक रेशनल नंबर है और इसको आप रेशनल नंबर बना सकते हो। x के कोफिशियंट में कुछ नहीं है, इसका मतलब उसके आगे 1 है। अगर उसके डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर में भी 1 है। ठीक है, तो अगर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना हो तो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो या तो इसका एलसीएम ले लेते हैं अपन, या फिर एक्स को बाहर निकाल के भी कर सकते हैं। तो एक्स को बाहर निकालने का प्रोसीजर बाद में देखेंगे, इसको यहां पर एक काम करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा 5, क्योंकि 1 और 5 का एलसीएम 5 होता है। अब देखो, 1 के टेबल में जो 5 है, 5 टाइम्स में आता है, तो इसका न्यूमरेटर को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि एक्स को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आएगा 5x माइनस ये जो है, ये हो गया 4x। ये जो 4/5x लिखा हुआ है, इसका मतलब जो एक्स है ये न्यूमरेटर के साथ में रहेगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 8। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 1 होता है, तो आप 1x/5 ऐसा लिखने के बजाय आपको लिखना है सिंपल x/5, क्योंकि x के आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब उसके आगे 1 है, इज इक्वल्स टू 8। अब क्या करना है आपको, ये 5 जो है x से डिवाइड हो रहा है तो इसको राइट साइड ले जाएंगे, वहां जाके 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये होगा x इज इक्वल्स टू 8 × 5। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 8 5 40। अब ये 40 जो है, इसका सही इक्वेशन, इस इक्वेशन का करेक्ट आंसर है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हो इक्वेशन में पुट करके, चेकिंग रिजल्ट। जो हमारा रिजल्ट आया है, x इज इक्वल्स टू 40, इसको पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 40 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में, इस इक्वेशन में x इज इक्वल्स टू 4/5 × x + 10। ये इक्वेशन है, इसमें x का वैल्यू 40 पुट करते हैं, तो लेफ्ट साइड 40 रहेगा। ठीक है, x का वैल्यू इज इक्वल्स टू 4/5 इंटू ब्रैकेट में x का वैल्यू पुट करेंगे 40 + 10। ठीक, ये हो जाएगा 40 इज इक्वल्स टू 4/5 इंटू 40 + 10 हो गया 50। ये 50 और 5, ये दोनों 5 के टेबल से डिविजिबल है, 5 1 5, 5 10 50 50, ये हो गया 40 इज इक्वल्स टू 40। इसका मतलब जो x इज इक्वल्स टू 40 हमारा आंसर आया है वो बिल्कुल करेक्ट है, LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक, तो ये हो गया एक्सरसाइज 2.3 का 7th क्वेश्चन।